नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत बदोही में भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजीव प्रताप रूड़ी को काफिले के साथ जनसभा स्थल तक पहुंचाया गया। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। अपने संबोधन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लोगों का विकास किस तरह करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ बात की जाती है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कि उन्हीं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति गरीब है उस तक पहुंचना ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री चाहे वे उज्ज्वल योजना हो या चाहे जन सुरक्षा बीमा योजना, तमाम योजनाओं के माध्यम से गरीबों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दिन तक इस देश में जितने भी राजनीतिक दल आए हैं या तो व्यक्ति पर निहित है या परिवार पर निहित है या कुछ लोगों के बीच की पार्टी है। उन्होंने कहा कि मायावती की पार्टी उनकी जातीय समीकरण पर निहित है, लालू प्रसाद की पार्टी उनके परिवार पर और मुलायम सिंह की पार्टी भी उनके परिवार तक निहित है। जहां तक बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो नेहरू, गांधी, इंदिरा, सोनिया, राहुल भी परिवार की पार्टी है, लेकिन इस देश में सिर्फ एक राजनीतिक दल है जहां चाय बेचने वाला बेटा आज प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका है। रूडी ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। रूडी ने कहा कि अमित शाह ने प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी है। सामान्य रूप से कभी भी किसी प्रचार क्षेत्र में कोई व्यक्ति आता है और हमारे जैसा व्यक्ति, जिसे 30 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कोई ताकत नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक सके।